सदियों से चाहिए था। जाएगा मैं सीधा बैठ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए आज सुबह सुबह। बाहर कौन घंटी बजाता है, कहीं फट गया, बहुत ही कम्फी। माइक चेक, माइक चेक। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, बिकॉज ये जो वीडियो है ऐसा कुछ मैंने अपने चैनल पे इससे पहले नहीं किया है, एंड बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में जितने भी कपड़े होने वाले हैं वो बहुत ही रीजनेबल है, प्लस वो सारे के सारे कैसे होने वाले हैं वो आपको आगे बताऊंगी, एंड प्लस सबके रिव्यूज पूरी डिटेल्स में अच्छे से देने वाली हूँ। कौन है बाहर घंटी बजा रहे सुबह सुबह, बाहर कौन घंटी बजाता है? आज पता क्या हुआ, मैं सुबह उठ के सीधा वीडियो बनाने बैठ गई हूँ और मुझे लगभग 1.5 घंटा तो हो ही गया है शूट करते हुए, क्योंकि इससे पहले मैंने कपड़े के शूट तो कर लिया है। मेन ये जो वीडियो है अब मैं आप स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे लगा शायद बहुत गर्मी है तो जल्दी शूट कर लेती हूँ, बट आज मौसम बाहर बहुत सही हो रहा है। सही क्या मतलब, धूप नहीं है बिल्कुल, इसलिए मैं आज रिंग लाइट खोल के बैठी हूँ। इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल इट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो। सुबह ना उठ के सीधा सबसे पहले उठ के मेकअप करने बैठ गई, ऑब्वियसली वीडियो बनानी थी, इसलिए ऐसा मत सोचना रोज सुबह उठ के मैं वीडियो रोज सुबह उठ के मैं मेकअप लगाती हूँ। सो मैंने सब कुछ लिख दिया है स्टाइलिंग में, एंड क्योंकि मुझे इतना सब कुछ याद नहीं होता था, ऑब्वियसली डिटेल्स पूरी कहानी पढ़ने बैठे हैं। सो आवर फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन, दिस क्यूट ही राइट हियर। ओके, सो दिस इज अ पिंक कुर्ता सेट, इसके साथ प्लाजो भी है, नॉट प्लाजो बट पैंट। आपको इसमें लाइट पिंक कलर का कुर्ता मिल जाता है, एंड इसमें जो डिज़ाइन है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, रीजनेबल भी है ये कुर्ता। ये मैंने मीडियम साइज में मंगाया है, इसका प्राइस 298 में मुझे पड़ा है, एंड अभी इसका करंट प्राइस है 314, एंड इसका एक्चुअल प्राइस है 323 में आपको इतना अच्छा कुर्ता मिल रहा है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, एंड इसका कलर बहुत प्यारा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही गंदा सा पिंक है, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइट एंड डार्क पिंक का। इसके जो नीचे का पैंट है वो कुछ इस टाइप का है, प्योर वाइट है, एंड जो स्ट्रेट फिट होती है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, इसका बहुत अच्छा लगा मुझे फिटिंग, क्योंकि मेरी थाइस थोड़ी हैवी है, तो मेरे को ना जो पैंट्स होती है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ से बहुत टाइट हो रही है मेरे में, तो मैं ऐसा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ या फिर प्लाजो या फिर स्ट्रेट फिट हो, तो ये बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार है, ना पैंट है ना प्लाजो है, बट इसका जो फिटिंग है वो बहुत अच्छा है, एंड ये इसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका कलर एक तो यही है, एंड एक इसका लाइट ग्रीन मिंट कलर है इसका, एक और दो कलर में अवेलेबल है, एंड जो दूसरा वाला है मिंट वाला उसका पैटर्न थोड़ा अलग है, एंड इसका फैब्रिक है रेयॉन। इसका फिट भी काफ़ी अच्छा है, मुझे ज़्यादा टाइट कुर्तीज़ पसंद नहीं है, थोड़ा लूज अच्छी लगती है, एंड इतनी कंफर्टेबल है, आप गर्मियों में इजीली पहन सकते हो इसको, हाफ है तो ऑब्वियसली अच्छा है। आई विल गिव इट 9 out of 10। इसमें मुझे एक चीज़ लगी बस, वो मैं बताना भूल गई, इसका जो नेक है ना वो यहाँ तक है, बट ठीक है, काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा इतना होता इतना तो ज़्यादा सही रहता, एंड ऑब्वियसली बाजू भी बिल्कुल फिटेड तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि सबका साइज़ अलग अलग होता है, तो ये ना थोड़ा सा अंदर मुझे अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा बाहर है। अदर देन दैट फिटिंग बहुत अच्छी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, एंड प्राइस बहुत अच्छा है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। सेकेंड कुर्ता सेट इज दिस वन, एंड जब मैंने ये देखा था ना तो मुझे इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा। पहले ना मुझे प्लेन कपड़े ज़्यादा पसंद आते थे, मतलब ऊपर का प्रिंट है तो नीचे का प्लेन होना चाहिए, नीचे का प्रिंट है तो ऊपर का प्लेन होना चाहिए, बट अब मुझे ना दोनों प्रिंट वाले भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत चल रहे हैं एंड अच्छे भी लगते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कैरी करते हो, सो आपको इस टाइप का कुछ इसमें नेक मिल रहा है, एडजस्टेबल है इसमें स्ट्रैप्स इसके, एंड बहुत ही कम्फी, और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, थोड़ा फ्लोरल वाले में था तो मैंने मंगा लिया, एंड इसका प्राइस भी काफ़ी कम है। ये मैंने मीडियम में मंगाया है, ज़्यादा टाइट नहीं है तो मीडियम इज़ परफेक्ट फॉर मी आई थिंक। प्राइस इसका है मतलब जितने में मुझे पड़ा था, ये मुझे पड़ा था 283 में, इसका भी करंट प्राइस है 332, एंड इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 341, और ये इसी कलर में अवेलेबल है, और इसका फैब्रिक है रेयॉन, इसके साथ मुझे ये मिला
घटिया कलर लगता है मुझे, एक तो कलर नहीं पसंद, ऊपर से इसका जो पैटर्न है ना, यहाँ से तो ये ऐसा है और यहाँ से ये ऐसा है। तो इसके साथ या तो मैंने जो आपको पहले दिखाया था ना वाइट पैंट वो पहन लूंगी, या फिर मैं, मेरे पास एक ब्लैक पैंट्स भी हैं वो डाल लूंगी इसके नीचे, या फिर जीन्स डाल लूंगी। बट ये बहुत कंफर्टेबल है गर्मियों के लिए, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेंथ भी बहुत अच्छी है, मतलब नीचे से थोड़ा नीचे जो मुझे अच्छी लगती है, इससे पहले वाले कुर्ते की भी अच्छी थी लेंथ। मैंने बताया था मेरी थाइस थोड़ी हैवी हैं तो हल्का सा टाइट हो रहा है, तो मुझे बिल्कुल टाइट नहीं चाहिए, मुझे कम्फी कम्फी कपड़े चाहिए, बिल्कुल कहीं फट गया। ये ना जब रिसीव हुआ था ना तो ना कुछ अजीब सा पैटर्न रिसीव हुआ था, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, अजीब सा, बहुत लूज टाइप का, पता नहीं अजीब सा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मैंने रिटर्न किया तो अब वाला थोड़ा ठीक आया है, पहला वाला तो बहुत ही बेकार था, पहन के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस वाले को मैं दूंगी क्योंकि पैंट उसकी ढंग की नहीं है, ऊपर का काफ़ी कंफर्टेबल है, 7 out of 10। सो आर नेक्स्ट कुर्ता इज वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम दिस हॉल, इज दिस वन, इस चिकनकारी कुर्ता, जो कि मुझे काफ़ी सदियों से चाहिए था, बरसों से चाहिए था मुझे, एंड मैंने फाइनली ले ही लिया। एंड मैंने एक वीडियो में भी पहना है क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम मुझे लगी, प्रॉब्लम नहीं मतलब यार मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना, मैंने जब भी कपड़े मंगाए थे ना, मंगा के मैंने रख दिए, काफ़ी टाइम से ये रखे हुए पड़े हैं मेरे पास, एंड उसके बाद मैं कहीं चली गई थी, फिर उसके बाद घर आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, एंड फिर मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मैं इसको एक्सचेंज करा लूँ, क्योंकि ये मीडियम साइज़ है एंड ये इतना लूज़ हो रहा है मेरे पे। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, जॉर्जेट है इसका फैब्रिक, एंड इसके अंदर आपको एक और वो मिल रहा है लेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी लोग ट्रांसपेरेंट टाइप का भी पहनते हैं, मैंने देखा है। इसके साथ आपको कोई पैंट वगैरह नहीं मिल रहा है। ये कुर्ताज जो है ना, ये मैंने बहुत जगह पूछा था, सरोजनी में पूछा है मैंने, एक और था यार मार्केट में भूल गई, वहाँ भी पूछा था मैंने, आपको 600-700 से स्टार्टिंग इसकी मिलती है, आप जहाँ भी पूछोगे, और 1200-1300-1500 की भी मैंने मतलब पूछे हैं। तो जब मैंने ये मीशो में देखा तो इसका प्राइस मुझे काफ़ी अच्छा मिला, और प्लस मुझे चाहिए भी था काफ़ी टाइम से, और पहन के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब आजकल बहुत चल रहा है। एंड इसमें और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, ब्लू में भी बहुत अच्छा लगता है, ब्लू लाइट ब्लू कलर का भी काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत लूज़ हो रहा है मीडियम मेरे में, जो और मैंने मीडियम लिए वो ठीक है, लूज़ वाले उतने वाले लूज़ हैं जो मैं पहन सकती हूँ, बट ये ना पीछे से भी इतना लूज़ हो रहा है, सो अब मैं इसको रिटर्न भी नहीं करा सकती हूँ। तो 1 week से ज़्यादा अगर हो जाए तो आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, मीशो की पॉलिसी ये है। तो अब मैं इसको रिटर्न तो कर नहीं सकती, मैं इसका खुद से कुछ जुगाड़ करूँगी, इतना तो मुझे अपने आप में ट्रस्ट है, मैं इसको टाइट कर दूँगी, नीचे से कट करके सिल दूँगी। एंड मैंने किया है पहले, ऐसे नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करूँगी इतनी प्यारी कुर्ती में, नो वे। फिटिंग वगैरह तो मैं कर लेती हूँ। इसका जो ये मिला मुझे 404 में, एंड इसका भी करंट प्राइस है 444, एंड इसका एक्चुअल प्राइस भी 444 ही है। इसमें ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसमें कलर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जैसे कि ये ब्लैक तो है ही, रेड भी है, मरून है, पर्पल, येलो, मिंट कलर, लाइट ऑरेंज एंड स्काई ब्लू, दिस इज जॉर्जेट, एंड यप आई विल गिव इट 9.5 out of 10 क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, प्लस थोड़ी सी इसकी फिटिंग वैसी है, वरना मैं इसको 10 देती, 9.99। सो आवर सेकेंड लास्ट कुर्ती इज अगेन इन पिंक कलर, बट ये थोड़ी डार्क पिंक है, एंड माय गॉड इसका फैब्रिक इज सो कंफर्टेबल, इसका फिट इज सो फिट। हाँ मैंने मीडियम में मंगाया था, हाँ मैंने इसको मीडियम में मंगाया था, सो क्यूट कुर्ता, जब मुझे रिसीव होना बहुत आया, रोने वाली हूँ मैं। दिस इज पिंक बांधनी प्रिंट कुर्ता सेट, इसमें दुपट्टा नहीं है, मैंने जितने भी कपड़े लिए ना सब में ऑलमोस्ट दुपट्टा नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो मैं आपको अभी इसके बाद पता चली गया होगा। इसमें ना आगे फ्रंट में ये जरी का काम हो रखा है, जरी बोलते हैं आई थिंक इसको, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, एंड इसके यहाँ पे स्लीव्स में लास्ट में हो रखा है, सो इसको बांधनी प्रिंट बोलते हैं, एंड बांधनी प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुझे लेना था कब से बांधनी प्रिंट, एंड एक लहरिया प्रिंट भी होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, बट बांधनी प्रिंट मुझे दिखा एंड मैंने कहा इसको तो मुझे लेना ही पड़ेगा। ऊपर से मेरे साथ पता क्या होता है, जैसे पिंक था बचपन में, पिंक मेरा फेवरेट था, फिर उसके बाद
पहले कुछ चीज़ मुझे बहुत पसंद होती है, फिर वो इतनी पसंद हो जाती है कि वो मुझे उससे नफरत हो जाती है, और फिर उसके बाद वो मेरा दोबारा फेवरेट तो धीरे धीरे बनता है, बट अच्छा लगने लग जाता है दोबारा, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया होता, एंड अभी मुझे थोड़ा ठीक लगने लग गया है पिंक, रानी कलर पिंक बोल सकते हैं। एंड इसका कलर अच्छा है, इसका फिट अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, फिटिंग बहुत अच्छी है इसकी, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा पिंक ब्लैक की तरह इतना ना। मैंने यार इस बार कुर्ती मांगे का बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि काफ़ी अच्छी आई है। वैसे एक और चीज़ बोलना चाह रही थी मैं इस बारे में, भूल गई। सो इसके साथ मुझे जो नीचे का मिला है ना, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुई थी उससे, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक तो ऊपर भी प्रिंट नीचे भी प्रिंट, बट जब मैंने इसको पहना तब इतना कंफर्टेबल है ये, वाओ जस्ट वाओ। एंड अब मुझे सही लग रहा है एक साथ पहन के, तो मैं इसको पहन लूँगी इसके साथ, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैंने सोचा था मैं इसके साथ नहीं पहनूंगी इसको, इसके साथ मैं मेरे पास जो प्लेन वाइट है वो भी पहन सकती हूँ मैं, इसके नीचे का भी काफ़ी कंफर्टेबल है। सो जीन्स डाल लो या फिर देखते हैं क्या अच्छा लगेगा। इसका प्राइस बता देती हूँ मैं आपको, ये मैंने लिया था 349 में, इसका भी करंट प्राइस है 377 एंड इसका एक्चुअल प्राइस है 386। अच्छा इतना सस्ता था, मुझे लगा 400-500 का लिया मैंने, और इसमें सिर्फ यही प्रिंट एंड यही कलर अवेलेबल है, एंड इसका फैब्रिक है रेयॉन, तो मुझे फैब्रिक ही पता नहीं चलता, मुझे कॉटन लग रहा है। सो यस, इसको मैं दूंगी 9 out of 10, क्योंकि जो मेरी फेवरेट है उससे थोड़ा कम तो देना ही पड़ेगा उसको, बट ये भी मेरा फेवरेट है। एक्चुअली मुझे ना सारे अच्छे लग रहे हैं जितने मैंने मंगाए। लास्ट वन इज ब्लू नायरा कट 3-piece कुर्ता, दैट इज दिस वन, एंड इसका प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगा, मीडियम में मंगाया मैंने, इसका प्राइस है 616 में मैंने लिया है 616 में, एंड इसका करंट प्राइस है 664 एंड इसका एक्चुअल प्राइस 673, एंड ये सिर्फ इसी कलर में एंड इसी प्रिंट में अवेलेबल है। इसका फैब्रिक कॉटन है एंड इसके स्लीव्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी गई, बिल्कुल थोड़ी मतलब डिफरेंट स्लीव्स हैं इसकी, एंड ये ना लूज है तो हो सकता है, वैसे लूज में ही अच्छा लग रहा है, बट हो सकता है मैं इसको थोड़ा सा टाइट करूँ, देखते हैं। एंड इसके साथ आपको ये दुपट्टा भी मिल रहा है, तो इसका कुछ ऐसा पैटर्न है, ठीक है, इसका जो पैंट है ना उसमें सेम ये वाली डिज़ाइन बनी हुई है, इसके कुर्ते में एंड पैंट में एंड दुपट्टे तीनों में प्रिंट ही प्रिंट हो रखा है, जो मैं बोल रही थी ना आपको, पहले मुझे पसंद नहीं था ऐसा प्रिंट सब में, बट अब मुझे ठीक लगता है, अच्छा लगना चाहिए एंड कैरी करना आना चाहिए कि किस तरीके से आपको कैरी करना है। एंड ये कुर्ता मुझे बहुत प्यारा लगा, एक तो इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, प्रिंट नहीं इसका पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, प्रिंट तो है ही अच्छा बट इसका पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। इसको बोलते हैं नायरा कट, जो कि मतलब यहाँ तक आपको टाइट मिलेगा, एंड इसके नीचे ना फ्रॉक टाइप का होता है बट साइड से कट होता है, एंड 3-piece में ही मुझे मिला है, कम्फी तो खैर है ही। जितने भी पैंट्स वगैरह मैंने लिए ना इस बार, वो सब मतलब इलास्टिक वाले हैं, कोई नाड़ा वाड़ा कुछ नहीं डाला है, सो सारे इलास्टिक वाले ही हैं। बहुत प्यारा लग रहा है पहन के, आप इसको शादी के फंक्शन में पहन सकते हो, और मंदिर जाने वगैरह के लिए पहन सकते हो, पूजा वगैरह है उसके लिए पहन सकते हो। जितने भी कुर्ता सेट मैंने आपको दिखाया ना आज, ज़्यादातर डेली यूज़ के लिए भी अच्छे हैं, ऑफिस पर्पज़ के लिए भी अच्छे हैं। इसको आप डेली वेयर के लिए इस तरीके से कर सकते हो कि इसको पहन लिया आपने, नीचे से जीन्स डाल ली बस, दैट इज इट, वो भी अच्छा लगेगा अगर आपको डेली वेयर के लिए पहनना है तो, अदरवाइज ये फंक्शन में अच्छा लगेगा। एंड जो मैंने आपको ये वाला दिखाया था ना, कौन गया दिस वन, इसको आप अच्छे से कैरी कर सकते हो अगर आपको किसी फंक्शन में पहनना है तो, बाकी तो खैर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्टाइल कर रहे हो। अच्छे से रिंग्स वगैरह, बड़े बड़े रिंग्स डाल दी, सो इसको मैं दूंगी 9.5 ही दूंगी, क्योंकि इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, इसका फिट काफ़ी अच्छा है, एंड थोड़ा सा लूज है बट ये लूज भी बहुत प्यारा लग रहा है। हल्का सा अगर मैं इसको फिट करूँगी तो हल्का सा करूँगी फिटिंग, क्योंकि आगे से तो ठीक लग रहा है, पीछे से जो वो लटकता है ना वो मुझे पसंद नहीं है, पीछे से ज़्यादा लटकते हों तो वो अच्छे नहीं लगते। मैं इमोशनल की हो रही हूँ। ओके, तो यस, दिस वॉज माई कुर्ता सेट हॉल, एंड विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कि आपको इस टाइप की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मैं आगे भी बनाऊँगी। एंड मैं काफ़ी अरसों से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी एक कुर्ती के ऊपर, क्योंकि मुझे कुर्ताज वगैरह चाहिए भी थे, मेरे पास थे नहीं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।
बाय।